वेलकम टू फूड विला कोलकाता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड विला कोलकाता। आज हम लोग फूड विला कोलकाता में एकदम चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लाए हैं, वो है बैगन की रेसिपी। बैगन की रेसिपी तो आप बहुत तरीके से खाए हैं, तो आज हम लोग बैगन की एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटपटी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज का बैगन लिया है और दो टमाटर मैंने लिया है और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता है, चॉप किया हुआ हरी मिर्च है और कुछ लहसुन की कलियां हैं। तो इस सब सामानों से आज हम बहुत मज़ेदार चटपटी बैगन की रेसिपी बनाएंगे। इसमें हम हल्का सा ये कट लगा देंगे, ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम कट लगा देंगे। और इस कट लगाने के बाद हम इसमें जो लहसुन की कलियां 4-5 मैंने ली थी वो हम इसके अंदर में डाल देंगे। हर एक कट में हम 2-2 लहसुन की कलियां इसके अंदर में पूरे फील कर देंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने लहसुन की कलियां इसके अंदर में कट के अंदर डाल दिया है और इसे अब हम इस तरीके से रख देते हैं। टमाटर और बैगन को मैंने ये एक जालीदार के ऊपर में रख दिया है और मैंने 2-3 हरी मिर्च लिया है, इसे भी हम भूनेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो आइए चलते हैं गैस पे हमें इसे भूनने के लिए। गैस पे मैंने जाली रख दिया है, अब इसमें हम बैगन को इस तरीके से रख देंगे और साथ में टमाटर भी रख देते हैं और ये हरे मिर्च भी इस तरीके से हम रख देंगे और इसे हम अच्छे से जला लेंगे कहिए या हम इसे भून लेंगे। बैगन को मैंने जला लिया था, अब इस ये देखिए, इसके जो ऊपर के जो लेयर हैं ये देखिए बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। जो मैंने तेल ऊपर से जो लगाया था ये देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसे निकाल देते हैं। अब इस तरीके से एक चम्मच के सहारे से हम इसे मैश्ड कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही मैश्ड करेंगे इसे। और इसमें टमाटर को भी हम इसमें मैश्ड कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही मैश्ड करेंगे। और ये जो हरी मिर्च है इसे भी हम थोड़ा सा इसमें मैश्ड कर देंगे और ये लहसुन की जो कलियां थी इसे भी थोड़ा सा हम इसमें हल्के हाथों से दबा दबा के इसमें मैश्ड कर लेंगे। देखिए, मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें मैंने करीब 2 चम्मच के लगभग तेल डाला है और उसे मैंने गरम कर लिया है और इसमें हम ये गोटा ज़ीरा है थोड़ा सा इसमें डालेंगे और ये गोटा ज़ीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें ये देखिए चॉप की हुई जो प्याज है ये हम इसमें डाल के इसे हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट एकदम ब्राउन हो चुका है, इसमें हम ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें ये जो हरे मटर है इसे हम इसमें डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा ही पकाएंगे, जैसे इसका मटर का कच्चापन निकल जाए। और इसमें हम थोड़े कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे बस मटर का, देखिए ये कच्चापन निकल गया है और हल्का सा ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है मटर का। तो अब हम इसमें अनुसार नमक डालेंगे अब इसमें कुछ हम सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर है, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1/2 छोटा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। अब इस सूखे मसाले को
इसमें हम धीमी आंच में इसको सारे मसाले को हम इसमें पका लेंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं, देखिए तेल भी धीरे धीरे इससे रिलीज हो चुका है। अब ये जो हमारा टमाटर और बैंगन का जो मैंने इसे मिक्सचर था, अब ये सारे हम इसमें थोड़े थोड़े करके ये देखिए सारे ऐड कर लेंगे। इसमें लहसुन भी है, भुने हुआ हरा मिर्च भी है, ये सारे इसमें धीरे धीरे हम लोग इसमें पका लेंगे। ये बहुत ही मजेदार, चटपटी और ये देखिए हमारा ये बैगन का भरता एकदम न्यू स्टाइल में पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें हम खटास के लिए एक चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास में आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में आधे चम्मच के लगभग हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, और बस इसे हम ये सब मसाले को और आमचूर पाउडर को ये सब में मिला लेंगे, और गार्निशिंग के लिए हम इसमें धनिया पत्ता ऊपर से डालते हैं। देखिए ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम झटपट और मजेदार टेस्टी रेसिपी है। आप बच्चे को भी खिलाइए, जो बैगन खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी इस तरीके से बैगन खाना पसंद करने लगेंगे। आप एक बार जरूर से जरूर हमारे तरीके से बनाइए। अब इसे हम निकाल लेंगे। चटपटी बैगन की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं देखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही है और टेस्टी है। मज़ा भी वैसा है, टेस्ट भी वैसा है, स्वाद में भी एकदम परफेक्ट है। आप इसे खाइए और बच्चे लोग को खिलाइए, जो बैगन नहीं पसंद करते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। चावल के साथ, रोटी के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप बैगन का भरता या बैगन की सब्ज़ी आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इसे एक सबको खिलाइएगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने इस बैगन को किस तरीके से बनाया है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो और आपको ये बैगन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे फूड विला कोलकाता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और हमारी इस तरीके से नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इन्जॉय योर बैगन। थैंक यू सो मच।